मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकमेंडेड बाई पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो इसमें एस पी डी और एफ, वो एफ जी इतने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें एस में कितने मैक्सिमम नंबर कितने आते हैं, दो, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, तो इसमें पी ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन दो इज करेक्ट यानी 6। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p सबसेल आर, जो 2p सबसेल है उसके लिए क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 हो गया, l इक्वल टू क्या होता है n-1, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 2-1 इक्वल टू 1, यानी l n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 43, 42 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे डिस्क्राइब करता है एन से, ये क्या क्या डिपेंड करता है, एन के डिपेंड करता है अपने को, से एन इक्वल टू 1 के लिए या एन इक्वल टू 2 के लिए, एन इक्वल टू 3 के लिए, तो क्या क्या डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो एन इक्वल टू 1 के लिए ऑर्बिटल 1 है, एन इक्वल टू 2 के लिए या एन इक्वल टू 3 के लिए, तो ये क्या डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन इज करेक्ट, साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड करता है। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ होल क्वांटम नंबर, जो आइडेंटिकल होल क्वांटम नंबर का होता है एन एल एम एल और एम एस, सेम एटम इन एक एटम में जो होल क्वांटम नंबर है सेम नहीं हो सकते, तो कौन बताता है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इट्स मोशन अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, अफेक्टेड हो गया, इट्स वेव लाइक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल की दोनों की तरफ बिहेव करता है, इट्स ए पार्टिकल, इट इज ए पार्टिकल, हाँ सही है, इट्स इमिट्स वाइल मूविंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमूव नहीं करता, इसमें क्या बोला, इट्स इमिट एनर्जी, ये इमिट अगर एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, इसकी जो होगा सेंटर में आके न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, 45 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर थ्री डायमेंशन क्रिस्टल क्रिस्टल हैविंग एन प्रिमिटिव यूनिट सेल विद ए बेसिस पी एटम्स द नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, जो ऑप्टिकल ब्रांच होगी उसमें कितने नंबर होंगे, इसमें दो ब्रांच होती है, एक तो कॉस्टिकल और एक ऑप्टिकल, तो कॉस्टिकल में क्या होता है टोटल, तो कितने हो जाएगी 3, ऑप्टिकल में क्या हो जाएगा 3, और ऑप्टिकल में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, ये तो टोटल हो गई, ऑप्टिकल में क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्टिकल कितनी बचेगी, पे 3-3p, 3p-3 यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 3p-3 यानी 3, तो इसमें अकोस्टिकल की हो गई और टोटल में 3p हो गई, तो 3p-3 किसमें ऑप्टिकल बच जाएगी, उसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।